रविवार की शाम धड़क कामगार यूनियन के कार्यालय आर्य कॉलोनी गोरेगांव पूर्व में सुप्रसिद्ध कामगार नेता और धड़क कामगार यूनियन के संस्थापक महासचिव अभिजीत राणे के नेतृत्व तथा भाजपा नेता कृपा शंकर सिंह, मुंबई भाजपा प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह तथा एडवोकेट अखिलेश चौबे की गरिमामयी उपस्थित में धड़क ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन के एक नए युग की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्नेह सम्मेलन, सम्मान समारोह, छतरी व मास्क वितरण तथा लिट्टी चौक भोज का सकुशल आयोजन कोरोना नियमों का पूरा पालन करते हुए किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अभिजीत राणे द्वारा अतिथियों के सम्मान से की गई। राणे ने कहा कि आज सुबह से अब तक हम यहां पर 2000 से ज़्यादा रिक्शा टैक्सी वालों को मास्क व छतरी का वितरण कोरोना SOP व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर चुके हैं। हम हमेशा रिक्शा टैक्सी वालों के साथ हैं। आपकी बेहतरी ही यूनियन का लक्ष्य है, मुख्य अतिथि कृपा शंकर सिंह ने आश्वासन देते हुए घोषणा की। मेरा नाम रहीम शेख है। आज यहाँ पे ये सारी दिक्कत हुई है ऑटो वाले, क्या वजह है? वजह तो ऐसा है कि साहब ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखे, इतना बड़ा मुद्दा रखे है लोगों के लिए, रिक्शा वालों के लिए जो तकलीफ है वो जानकारी लेने के लिए, जो भी तकलीफ है ऐसा अपन मुद्दा लेकर के या कोई भी प्रॉब्लम लेकर के कहाँ जाते, किसके पास जाते? साहब ने खुद अपने सामने से उन्होंने ऐसा ऑफर दिया है, ऐसा कहा है कि तुम्हारा को जो भी तकलीफ है, आपका जो प्रॉब्लम है हमारे पास, हमारे सामने रखो, उसको हम पूरा करेंगे। सॉरी, आप कैसे जुड़े हैं धड़क के साथ में? धड़क से अभी आज हमको 1.5 साल हो गया जुड़ करके, लेकिन इनका काम जगह जगह पर देख करके, सुन करके, हम ये हमारे इधर स्टैंड रमेश होटल पे स्टैंड है, वहाँ पे कभी स्टैंड नहीं था, स्टैंड बन गया, एक दिन में लग गया। साहब ने बोले कि ऑन द स्पॉट कल लग जाएगा, तो लग गया। ऐसा किसी के पास जाएगा कोई भी प्रॉब्लम लेने के लिए तुरंत होता नहीं। क्या समस्या है मेरी या मेरे रिक्शा वालों की? समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन मुद्दे अभी हमारे मलाड़ में जो है, अभी फुट ओवर ब्रिज बन रहा है और अंदर जो दुकानें हैं स्टेशन के अंदर, वो लोग का सबका ऐसा प्लानिंग है कि हमको रिक्शा वालों को वहाँ से बाहर निकालने का। यह 2 साल से इनका काम ऐसा चल रहा है। पिछले टाइम में भी ऐसा दक्षा पटेल ने जैसे प्रॉब्लम किए थे, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आया। तो उसके बाद धड़क का साथ हमको मिला और अभी उनका साथ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। आपका नाम बताइए। शशिकांत मारुति वाघमारे। यहाँ पे अभिजीत राणे का कार्यक्रम बोलेगा तो कोई भी उनका हाथ नहीं पकड़ सकते, पहली बात तो।
यहाँ यूनियन के नाम पे नहीं बोल के उनके काम के बारे में भी, उनका इतना इतिहास बड़ा है कि कोई देख नहीं सकते, लेकिन उनके जो यूनियन के जो बीच में जो कोई कार्य करते थे उन्होंने थोड़ा हमसे संपर्क नहीं किया, संपर्क न होने के बावजूद हम लोगों को सारे डायरेक्ट उनका संपर्क नहीं होता था, इसलिए साहब ने क्या किया कि भाई तुम डायरेक्ट हमारे पास आ जाओ, डायरेक्ट तुम हमसे बात करो, तुम्हारी जो भी समस्या होगी हम छुड़ाने के लिए तैयार है। और राणे साहब के पास हमारे राणे साहब के हम कार्यकर्ता होने के बावजूद हमको राणे साहब के पास काम करने की क्यों इच्छा है कि वो एक ऐसा इंसान है कि किसी के भी हर मदद में भाग के आने वाला इंसान है। आज तक उसने कोई यूनियन का होने दो या कोई कंपनी का मालिक होने दो, किसको तकलीफ होने दो, धान्य का होने दो, लॉकडाउन के टाइम में मदद, जिसने ये इंसान ने किया जो कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े राजकारण वाले नेता है, सब कुछ है, लेकिन राणे साहब ने जो अपने सब परिवार रिक्शा टैक्सी यूनियन के जो परिवार लोगों को जो लॉकडाउन के टाइम में मदद किया, राणे साहब कोई कर नहीं सकता। हम जुल्लू यादव धड़क कामगार यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ और जब से यूनियन बना तब से सर के साथ में मैं जुटा हूँ। और मैं लॉकडाउन में जो ने राणे साहब ने कम से कम जानता हूँ 5 से 10 हज़ार आदमी को राशन को पूरा उठा किया। अब कहीं दुख सुख में होता है तो साहब एक फ़ोन, चाहे एक रिक्शा वाला कोई फ़ोन किया तो साहब ये नहीं देखते कि रात है कि दिन है, साहब उनके घर पर कोई किसी घर में मैयत हो गया तो भी साहब ये नहीं देखते कि ये रिक्शा वाला वहाँ घर पर फ़ोन किया वहाँ उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। तो साहब का ये जो स्टाइल है, एक काम का स्टाइल है, इसके लिए मैं बोलता हूँ यूनियन तो बहुत है, मैं भी बहुत यूनियन में काम किया है, हम लोग को 40 साल हो गए यहाँ, हमको सर नौकरी करते हुए, लेकिन हमने बहुत देर, लेकिन सर अभिजीत राणे जो के साथ में जब से जुटा यूनियन में, उनके साथ साथ में हमारा भी जो स्टाइल था वो मैंने सीखा, उनके साथ में रह के धड़क कामगार यूनियन का नाम किया। और हम लोग ने जब से आज हम 15 साल से यूनियन बना है तब से हम साहब के साथ में जुटा हूँ। इसके लिए जो बोलता है रिक्शा वाले का, जो इसके लिए जो रिक्शा वाले की छोटी मोटी समस्या है वो आज लिख के देंगे साहब, उनके उनसे समस्या दूर करेंगे। तुम्हें रिक्शा का जो भाड़ा है साहब के साथ में, क्या नाम है बांद्रा में दो जो बढ़ा पैसा, आज 6 साल 2 साल पहले हम लोग मीटिंग किया था, वो साहब ने ही बढ़ाया। आज रिक्शा का पासिंग तो 2 साल का होगा, 1 साल का था अभिजीत राणे ने करके दिया, दूसरा यूनियन ने नहीं किया, ये किया हम साहब ने डाला था, अभिजीत नारायण करके 2 साल में पासिंग हो गया, नहीं तो हर साल साल में पासिंग होता था। इसके लिए समस्या ऐसा है, जो भी समस्या है, एक साहब पत्रकार हैं, इनके वजह से आज जो भी धड़क कामगार यूनियन का कार्य है अच्छा है भाई, जिसको बहुत यूनियन है, यूनियन देख के चलो आप लोग, एक साथ में खड़े रहो, एक हौसला बुलंद करो, जय धड़क जय यूनियन। मेरा नाम नन्हेलाल ओझा है, ठाकुर कॉम्प्लेक्स 90 फीट रोड जय श्री राम मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे किस समस्या को लेकर आया हो जी? आज हम लोग की अब राणे साहब ने मीटिंग किया है, किसकी क्या समस्या है सब लोग बताएं, तो हम लोगों को इकट्ठा किया गया है, हम लोग आए हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी यही समस्या है कि सबसे पहला काम तो RTO वाले फाइन बहुत मारते हैं, रनिंग में भी फाइन मारते हैं, नंबर एक बात, नंबर दो बात, गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो भी फाइन मारते हैं, बिना वजह के परेशान करते हैं, स्टैंड पे गाड़ियां लगी रहती हैं तो भी परेशान करते हैं। हम लोग का 2 स्टैंड है, एक ठाकुर कॉम्प्लेक्स, एक अंधेरी ईस्ट में सॉलिडियर कॉरपोरेट पार्क, वहां पर भी हम लोग चलाते हैं, वहां पर भी RTO वाले बहुत परेशान करते हैं, पुलिस वाले आते हैं 1200-1200 रुपये फाइन मार के जाते हैं, हमको भी 1100 रुपये का फाइन मार के दिए। बताइए ये समस्या का समाधान हम लोग करने के लिए आए, कुछ नहीं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं बेवजह के परेशान करते हैं, जबकि हम लोग सोलिडियर पार्क में सिंगल पार्किंग करके रखते हैं, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में भी सिंगल पार्किंग करके रखते हैं, बोलते हैं ऊपर से आदेश आया है इसके लिए फाइन मार रहा है, जिधर नो एंट्री का बोर्ड है उधर वो उधर फाइन मारते हैं, नो एंट्री का बोर्ड है ही नहीं उधर कहेगा फाइन। हम लोग 3 जन को बिठाते हैं तो बोलते हैं ऊपर से आदेश है 3 जन को नहीं बिठाने का, शेयरिंग वाले जितने भी हैं 3 जन 4 जन 5 जन को भर लेते हैं, रोड पे 4-व्हीलर गाड़ी वाले जो है 15-15 20-20 जन को भर लेते हैं, हम लोग बोलते हैं तो हम लोग के साथ में दादागिरी करते हैं, हम लोग RTO के पास कंप्लेन करते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि कानून व्यवस्था बराबर नहीं है। ये बात को लेके आप लोग राणे साहब से क्या चर्चा करने आए हैं? हम लोग यही चर्चा करने आए कि इस पर कुछ ऑब्जेक्शन लिया जाए, और ये फाइन जो खाली फुकट का मार रहे हैं वो फाइन क्यों मार रहे हैं, बेवजह क्यों फाइन मार रहे हैं, दुश्मनी है क्या हम लोग के ऑटो वालों से? अभी मेरी गाड़ी पे आपको बता देता हूँ, 2513 गाड़ी मेरा नंबर है, उस पे 18,400 रुपया फाइन है। कितना? 18,400 रुपया। मला स्टेशन पे पूरे स्टेशन पे कहीं नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है,
और रनिंग में नंबर का 1400 रुपया कोई फाइन मारता है रनिंग में, और कस्टमर दो है फिर भी फाइन है, और कोई दूसरे का फोटो लेके गाड़ी के ऊपर फाइन मार रहे। हमारी गाड़ी में तो ऐसा फाइन मारा गया है कि दूसरे नंबर की, उसी नंबर की दूसरी गाड़ी चल रही है वसीवरा में, उसका हमने ईमेल भी डाला, कोई फॉर्मोस नहीं आया। सर क्या कुछ कहना चाहें सर, थोड़ा कामगार यूनियन के यहाँ पे आए, कई ऑटो वाले आए हैं समस्या लेके अपने आपके टाइम। परिश्रम एक आंदोलन है, परिश्रम जो है ये वॉइस ऑफ हार्ड वर्कर, ये मेहनत कश लोगों की एक आवाज़ है, अब उसी की आवाज़ जो है धड़क कामगार यूनियन। अभिजीत राणे मेरे छोटे भाई जो हैं वो लोगों की पीड़ा को देखते हैं सुनते हैं, इसके बाद उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी स्तर हो वहाँ जा कर के कोशिश करते हैं कि इनकी समस्या दूर हो। इसीलिए इतना हमारे भाई जो आज चालक हैं, अभी मैंने मेरे ख्याल से एक महीना हुआ अखिलेश जी, मैंने ज़्यादा नहीं एक 500 ऑटो ड्राइवर को एक महीने का किट एनजीओ संस्था थी उसके माध्यम से दिया। मैंने सरकार को पत्र लिखा, गवर्नर को पत्र लिखा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा हूँ, उसमें मैंने तय किया कि 1500 रुपये में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है अपने खर्चे कैसे चला सकता है। मैंने उसमें लिखा कि मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, आप अपने एक ड्राइवर को 1500 दो महीने का, उसको बोलो खाना खवाओ। जवाब क्या मिला वहाँ से परिवहन मंत्री का कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने की छूट है, चलाने की छूट है ना, पैसेंजर कहाँ है, पैसेंजर बैठेगा तो पैसा मिलेगा ना, और कितना दे रहे थे 1500 रुपया, मजाक मत उड़ाओ इनका। अभी कई ऑटो रिक्शा के ड्राइवर, कई लोगों ने कहा है संस्था ने, मेरी अभिजीत राणे जी से बात हुई है कि हम सरकार अगर इतनी भिखारी हो गई है तो हम उस सरकार को ऑटो रिक्शा वाले ले जाके मुख्यमंत्री निधि में पैसा डालेंगे, 15 हम रात दिन चलाएंगे, ये ले लो पैसा। उसमें मैंने लिखा है कि 5000 मिनिमम। अच्छा तुम बैनर लगा रहे हो, तुम्हारे कोई पार्टी कार्यकर्ता गाइड करेंगे, क्या गाइड करें भाई, आरटीओ के पास हर ड्राइवर का एड्रेस है, आरटीओ जो है जितने गाड़ी के लाइसेंस है जितना सब है वो। अब ऑटो के ड्राइवर को, टैक्सी वाले ड्राइवर को बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डाल दो पैसा, मिनिमम 15000 रुपये, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, इवन चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, टेम्पो का ड्राइवर हो, जब उसको कोई साधन मिलेगा तब तो जाएगा ना। तो एक लड़ाई लड़ी जा रही, आज तो मैं उस पर मैं बात करके करूँगा, और हमारे पास जितना धड़क नाम सुनते ही धड़क जाते हैं लोग, ये सरकार को धड़कना पड़ेगा, और ये ऑटो रिक्शा वालों का या टैक्सी वालों का या जो भी पीड़ित लोग हैं इनको, हम सब कोरोना का पालना, सब डरे हैं, सबकी जान है, लोग डर के मारे पिछली बार ऑटो रिक्शा में भाग गए उत्तर प्रदेश सिर्फ जान बचाने के लिए, किन परिस्थितियों में गए हैं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरा साथ देना चाहूँगा कि अगर 5-10 दिन में समय देंगे, हालांकि मुख्यमंत्री जी से जितने जोर से बोल सकते हैं हम उतने जोर से नहीं बोल सकते, लेकिन बोलने के लिए इनको आगे करेंगे, बाकी हम लोग साथ में रहेंगे। अगर नहीं दिया तो हम कहेंगे जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो वैसे अभी ऑटो रिक्शा वाले रख लो, तुम क्यों गाड़ी चला रहे हो, तो वो तुम्हारी जान प्यारी ना, उनको जान नहीं प्यारी है। तो 5000 रुपया मिनिमम सरकार को देना ही चाहिए, और लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में इतना बड़ा ये था इसके मनरेगा के माध्यम से, योगी जी मुख्यमंत्री खुद हैं संक्रमित हुए, एक दिन में ठीक हुए, सवेरे निकल गए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इसलिए आज जो आया हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने अभी ये विचारधारा बदली है, राजनीतिक विचारधारा एक विचारधारा छोड़ के दूसरी विचारधारा में आया हूँ, ये कारण था। आप सबको पता है कि आर्टिकल 370 का
हमने कहा कांग्रेस का विरोध मत करो, उन्होंने विरोध किया, कई बार चिट्ठियाँ लिखी, कोशिश करी, लगभग 21 महीने हो गए, जब नहीं सुना तो मेरा इस्तीफा मंगा ले लो। और जिसने इस राष्ट्र के साथ एक हिम्मत दिखाई है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन 5 अगस्त को पार्लियामेंट चल रही थी और भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी 370 आर्टिकल हटाने का प्रावधान को पढ़ रहे थे, उसके बाद किसी ने टिप्पणी की कि बोले कश्मीर में ऐसा हो रहा है, उन्होंने चिल्ला के कहा जान दे दूंगा जान। कम से कम राजनीति में रह करके, पार्टी से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा पार्टी नहीं है। मैंने छोड़ दिया, 3-4 दिन हुआ है मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, और कांग्रेस में एक सिपाही की तरह काम करते रहा, यहाँ भी काम करूँगा। और धड़क कामगार यूनियन और हमारा भाई जो है, इनकी पूरी टीम को मैं इनके साथ चल के जहाँ भी जब भी, इसके पहले भी हुआ है, मेरे लिए दल माने नहीं था, मेरे लिए लगता था कि पीड़ित लोगों को, जिनका दर्द है, जिनका दुख, उसके लिए अभिजीत राणे अपनी यूनियन के माध्यम से हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में शामिल हूँ। इसलिए सर आज भी आपको भैया ही कह रहे, सब लोग छोटा है बड़ा हो सब भैया। हाँ भैया, इतना बढ़िया शब्द है, अब क्या बताऊँ भाई, आगे उनके लिए ये हो के बड़े भैया आगे। हाँ नहीं, वो तो है, उसका मुझे, मैं परिश्रम आंदोलन के माध्यम से चला, मैंने हमेशा प्रायोरिटी रखी। और बाकी यहाँ महाराष्ट्र के तो लोग अपने है ही हैं, मैंने अभी एक जगह पर कहा, वो अपना सुनील राणे आमदार सभा बोरीवली में, मैंने कहा उनसे, हमने कहा कि अगर महाराष्ट्र की अस्मिता की जरूरत पड़ी तो हम जो उत्तर भारतीय लोग हैं, हम नमक खाते हैं यहाँ का, इस धरती की अस्मिता की जरूरत पड़ेगी तो पहली लाइन में अगर खून देना पड़ेगा तो पहली लाइन में उत्तर भारतीय खड़ा रहेगा हम लोग, मतलब ये हमारे महाराष्ट्र के प्रति है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो भैया को अलग ढंग समझते हैं, उनको समझाने वाले हैं। मैं ये भी कहा वहाँ पे कि उत्तर भारतीय समाज मेहनत कश है, ये बागी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। सर जिस तरह के हमने कार्यक्रम आज देखे, काफी रिक्शा वाले हैं और हमने काफी रिक्शा वाले के इंटरव्यू भी किए, उनमें उनकी एक समस्या ऐसी है कि हम गाड़ी से चल रहे तो फाइन मार रहे, रोड पे गाड़ी खड़ी है तो फाइन मार रहे, गाड़ी में 2 पैसेंजर के ऊपर हम बिठा नहीं रहे तो भी फाइन मार रहे, तो वो एक उम्मीद लेके आपके पास आए सॉल्यूशन के लिए, तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आगे की मनमानी चल रही है? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे पिता तुल्य कृपा शंकर सिंह जी जो हमेशा ही हमारे पिछले 20 साल के करियर में एक वडीलधारी का हमेशा ही रोल लिए हैं, आज मुंबई शहर में लगभग 40,000 से अधिक रिक्शा चालक मालक, ये धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक यूनियन के सदस्य हैं। और महाराष्ट्र शासन ने एक यूनिवर्सल निर्णय किया था कि रिक्शा में पूरे महाराष्ट्र में दो ही पैसेंजर्स को अलाउ किया है। हमारी बहुत सी कमिटियाँ बनी, उसमें टास्क फोर्स बनी रिक्शा चालकों के लिए, उसमें ऐसा बताया गया कि भले वो रूल बनाया है मगर हमने किसी पे चार्ज मारा नहीं है, मगर पिछले 1.5-2 महीने से 2 पैसेंजर्स के आगे अगर जाते हैं तो स्ट्रेट आरटीओ वाला वो रिक्शा वाले का फ़ोटो लेता है और उस पे चार्ज मारते, तो उस पर हम तीव्र आंदोलन, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आज बहुत से रिक्शा वाले यहाँ पर आए, हम आज बहुत दिनों के बाद हमारे पिता तुल्य कृपा शंकर सिंह जी एक्टिवली सभी चीज़ों में अभी इन्वॉल्व हो रहे, और ख़ास करके हमारे साथ जुड़े हुए 40,000 मेंबर्स में से लगभग 30,000 से ज़्यादा उत्तर भारतीय हैं। और मुझे विश्वास है कि कृपा शंकर सिंह ये नाम में ही बहुत बड़ा क्रेज़ है, वो एक विश्वास है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुंबई में रिक्शा वाले हो, हाथ पर काम करने वाले जो कामगार हैं, उनको हमें, उनके लिए जो हमें लड़ाई लड़नी है उसमें कृपा शंकर सिंह जी पूरी तरीके से एक पितातुल्य तरीके से हमारे पीछे रहेंगे। आज उनका यहाँ पर हम सत्कार स्वागत, और 2 दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। पार्टी इज़ अ पार्ट बट हमारे लिए वो पितातुल्य है और हमें वो हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो आज हमें एक छोटा सा मौका मिला है उनको सम्मानित करने का। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।